जेएनयू और डीयू की जेएनयू और डीयू में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। इसके लिए सुबह 8 बजे से 12:30 बजे और शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जेएनयू में यह पहला मौका है जब वामपंथी संगठन चुनावी मैदान में एबीवीपी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, तो वहीं डूसू चुनाव में इस बार लड़ाई एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच यानी कि सीधी टक्कर दोनों के बीच है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नॉर्थ कैंपस से सुमित चौधरी हमारे साथ है, जबकि जेएनयू से हमारे साथ मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं। सुमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता है में हर बार हम देखते हैं कि बहुत जोर शोर से लोग हिस्सा लेते हैं, बहुत छात्र बड़ी संख्या में आकर वोट देते हैं, इस वक्त वहां पर क्या देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर देखिए तान्या, इस बार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ना सिर्फ इस चुनाव को गेटवे ऑफ पॉलिटिक्स माना जाता है, यानी राष्ट्रीय और दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए गेटवे माना जाता है। यही वजह है कि करीबन 1,23,000 जो स्टूडेंट एनरोल होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनके लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम इस समय क्रोडीमल कॉलेज में है नॉर्थ कैंपस के, और मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं आपको कि किस तरीके से जो लोगों के, खासतौर पर जो छात्रों की भीड़ है, वो यहां आपको नजर आएगी। और ना सिर्फ आज के दिन डूसू के चुनाव बल्कि अपने जो कॉलेजेस के चुनाव है उसके लिए भी वोटिंग होती है। इसी यही वजह है कि जो स्टूडेंट होते हैं उन वो एक एक वोट को यहां पर बूथ तक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने की कि भाई किस तरीके से आपको हर वोट डालना है। लेकिन एक चीज और तान्या, इस बार पहला मौका है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नोटा को लाया गया। जी हाँ, नोटा यानी अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो आप उसको भी अपना अपना अपने एक मत बना सकते हैं, और ये भी एक महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल मनोहर, जहां तक जेएनयू की बात है, पिछले एक साल में जेएनयू में बहुत कुछ हुआ है। छात्र संघ अध्यक्ष समेत तमाम छात्र संघ नेताओं पर देश के खिलाफ नारे लगाने के आरोप लगे, जेल तक जाना पड़ा। उसके बाद अब जब छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो वहां कैसा माहौल है? देखिए बिल्कुल, इस बार जेएनयू का जो छात्र संघ का चुनाव है तान्या, ये इतिहास रचने वाला है क्योंकि सारे वामपंथी छात्र संगठन एकजुट होकर के एबीवीपी के सामने खड़ा है। बप्सा भी चुनाव लड़ रहा है। टोटल 99 उम्मीदवार हैं जिसमें सेंट्रल पैनल में 18 उम्मीदवार हैं, और सुबह से 9:30 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। तमाम लोगों में जो छात्र संगठन है उसमें एक जोश है, और सुबह से नारेबाजी भी अंदर की जा रही है कि उनके पैनल्स को, जो सेंट्रल पैनल के उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया जाए। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, इस बार का जो चुनाव है कई मायने में खास है क्योंकि रोहित वेमुला का मामला हो, कन्हैया का मामला हो, या आयशा के एक स्टूडेंट्स पे रेप का जो आरोप लगा था, तो ऐसी स्थिति में और क्या एजेंडा हो सकता है आप लोगों के? देखो, फिलहाल एजेंडा वुमेन राइट्स पे है, वुमेन सेफ्टी है, लेकिन साथ में एक नया एजेंडा है कि सर्विलेंस किया जा रहा है। दे आर प्लानिंग टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज, जो कि सिर्फ सर्वेलेंस नहीं, साथ में मॉनिटर करेंगे स्टूडेंट एक्टिविटीज और उनके कहां जाते हैं, तो ये भी एक नया मुद्दा आया है। चलिए, तो जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए वो वोट डालेंगे, वो बता रहे थे।